हरिद्वार की तरफ। और ये देखिए रास्ता कितना बढ़िया हो रखा है, एक तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और ऊपर से बिल्कुल खुला रास्ता मिल रहा है। ये सामने चल रही है हमारे सामने वॉल्वो, ये भी शायद हरिद्वार तक जा रही होगी। और ये दिन के टाइम हो रखा है 3:30 बज रहे हैं और क्या बढ़िया मौसम हो रखा है। देखिए की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, आराम से गाड़ी चलती आ रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। आज जन्माष्टमी का दिन है और हमने सोचा हरिद्वार में जाके ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। ये अभी हम खड़े हैं दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे और ये देखिए दिन के टाइम ट्रैफिक कम है इसलिए गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। 80 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हुए आराम से पहुंच गए हम, 2 घंटे में हम सरधना पहुंच गए, इतना स्मूथ ट्रैफिक है। अभी फ्रेश होने के लिए रुके, अभी हम लोग खड़े हैं देवबंद से देहरादून के बीच में जाने हुए रास्ते पे। ये हाईवे जा रहा है सीधा देहरादून। अभी आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर के लिए रास्ता जा रहा है, ये साखन खुर्द जगह है, ये जगह है साखन खुर्द। अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुके थे, ये देखिए क्या रास्ता है, अब बढ़िया रास्ता है। पहले हमारा विचार था हरिद्वार जाएं लेकिन हरिद्वार के रास्ते से हमने सोचा क्यों ना पहले हम देहरादून चलते हैं। अभी हम देहरादून जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सहारनपुर के रोड से होते हुए देहरादून की तरफ। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ से, देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है, खुले रोड है और सारा जंगल है, बराबर में बिल्कुल ओपन स्पेस है। बढ़िया लग रहा है व्यू आ रहा है, सामने पहाड़ दिखने शुरू हो गए और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। बहुत ही बढ़िया हाईवे बना हुआ है, गाड़ी चलाने में आनंद आ रहा है और रोड भी खुले खुले मिल रहे हैं हमें आज, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है, छठी का दिन है तो भीड़ ज़्यादा है नहीं रोड। और कितना बढ़िया लग रहा है, दूर से मुझे तो आदत दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सामने पहाड़, कैमरे में कितना दिख रहा है मुझे मालूम नहीं, वाकई में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हाईवे नो डाउट बहुत बढ़िया है, ये देखिए सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप देखिए सामने यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू हो गए, अभी हम देहरादून के हाईवे के लिए निकल रहे हैं और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे व्यू, सामने पहाड़ दिखने शुरू हो गए। शाम के 6 बज चुके हैं और बहुत ही प्यारा व्यू, ये देखिए पहाड़ दिखने शुरू हो गए, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये अब हम जा रहे हैं देहरादून और देहरादून के रास्ते में देखिए बीच में ये पूरा पूरा जंगल का रास्ता पड़ता है, बंदर, ये देखिए बंदर हनुमान जी जय बजरंगबली, पूरा प्रभुताम का बंदर होगा। अच्छा, रोड कितना सुंदर लग रहा है ना, एलिफेंट जो आ जाते हैं उसी रोड पे आ जाते हैं, इस रोड पे आते हैं कैमरा हाथी भी जाते हैं, लेकिन इस रास्ते ज्यादा कोटद्वारा वाले रास्ते पे आते हैं हाथी, हाँ तो उस पर भी आते हैं लेकिन कोटद्वार वाले पे जाते हैं। तो
पिक्चर उठाएंगे। मसूरी 54 किलोमीटर, देहरादून 22 किलोमीटर। टपकेश्वर महादेव जाते हुए हम लोग उतरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उससे बहुत ज्यादा नीचे से जाओ। शिव शंभु हर हर महादेव। ये अभी हम आए हैं टपकेश्वर महादेव टेम्पल, और ये देखिए ये नीचे जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देहरादून टपकेश्वर महादेव। जाओ शिव शंभू हर हर महादेव, हर हर महादेव। जाओ शिव शंभू हर हर महादेव। बोलना जाओ शिव शंभू, जाओ शिव शंभू हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जाओ शिव शंभू। बहुत ही सुंदर बना रखा है ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। जाओ काली माता, जाओ भैरव बाबा की जाओ। बड़ा चलो आओ, बेटा आओ, चलो आओ, इधर से आओ। जाओ टपकेश्वर महादेव जी की जाओ, आराम से लगा चलो।
तो देखता भी कहता है सब देख पानी कैसे गिरा अपने आप देख देख रहे हो ना। हाँ कहीं वैसा तो नहीं लगा कि भाई वहाँ से कहीं हिंसी जवान में सी है देखो जा देख रहे हो बहुत ही प्यारा मंदिर है बहुत ही सुंदर दर्शन है बहुत शुभ सुंदर क्या भजन करें क्या भजन यहो शिव शंभु हर हर महादेव यहो गौरी माता की जय जहो मेरी गौरी माता की जय जहो स्वामीनारायण द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यह जन्मस्थली है। हजारों साल पहले अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को इसी गुफा में दूध की प्राप्ति हुई थी एवं 6 मास की तपस्या के बाद अजमर्ता का वरदान भी गुफा में भगवान शंकर जी से प्राप्त हुआ। हाथ लगाओ प्रधान हाथ लगाओ हाथ लगाओ
जहो शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जहो मेरे शिव शंभु, ऐसे डाल दे, जहो शिव शंभु हर हर महादेव, जहो शिव शंभु हर हर महादेव, नहीं बड़े एक ही चलाओ बेटा, घर के लिए बता, जहो शिव शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, तो है ना ठंडा के मंदिर में, हाँ हर हर महादेव, हर हर गुल्ली जुड़े बेटा, शुभ खुले पड़े 10-20 रुपए, जाओ शुभ शुभ, हर हर माह, हर हर माह, जाओ शुभ शुभ, ले जाओ, चलो, जाओ शुभ शुभ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बहुत ठंडक है यहाँ पे। जाओ पवन पुत्र हनुमान की, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ये देखो, ये देखो पानी कैसे आ रहा है। जाओ शिव शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जाओ टपकेश्वर महादेव की जय। देखो नेचुरल स्प्रिंग है, यहो शिव शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, यहो शिव शंभु हर हर महादेव। ये देखो कितना तेज पानी है, देख रहे हो पानी का प्रेशर, आज जन्माष्टमी के दिन हम टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ मंदिर में आए हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हुए हैं यहाँ पे, और सामने बहती हुई कलकल ये नदी का साउंड इतना अच्छा लग रहा है, देखिए। अच्छा बच्चे आजा चलो, हर महादेव, शिव शंभु हर हर महादेव, यहो शिव शंभु हर हर महादेव, जय माता, यहो जयकारा शेर वाली था, बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। पहले भगवान का नाम ले लो, बाद बात करना। अगर आप यहाँ मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर ये लिफ्ट की सुविधा दी गई है, इसमें सिर्फ 20 रुपये देने पड़ेंगे आपको और इस लिफ्ट के द्वारा आप ऊपर तल पर पहुँच सकते हैं। आप यहाँ से पॉज करके पढ़ के देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे।
ये मंदिर के आगे मार्केट है पूरी, आप हर तरह का सामान खरीद सकते हैं यहाँ पे, पूरी मार्केट अच्छी खासी। पैसे दे दी थी उनको? पैसे दे गए थे? हम लेते पहले लिए दिए मैंने, हम लेते हैं। हमने पहले दिए ना, हमने तो हम पहले बार लेते नहीं है। तो भैया जो है उनको बुलाओ, उनको जो बैठे हुए थे जो बुलाए उनको बैठाओ, बुलाओ उनको। पैसे लिए थे मैंने? हाँ। जी जी जी, बस पूछ लिया दे दिए थे, वो तो लिया करो, ये सब पता है तुम्हें, पता लग गया बोल दिया जो फूल दे दो, फूल दे दो, फूल रखा रह गया। ये बता के जाना चाहिए ना तुम्हें, वो कह रहे हैं कि आपने पैसे नहीं दिए। ओके श्री राम दास। ये हमने यहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी थी और दर्शन करने चले गए थे। अरे गाड़ी चलने पीछे, मैं कहाँ से रुक दूंगा।